हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पे खुश खबरें निकल के सामने आ रही है फ़ी रिफंड के रिकॉर्डिंग। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ी रिफंड नहीं हो पाए थे। जैसे कि आपको पता है कि यह फ़ी रिफंड का प्रोसेस CBT 1 जब सम्पन्न हुआ था 2022 में, उसके बाद ही होना चालू हो गया था। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आ रहे थे, उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड इत्यादि से लेकर प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके कारण से फ़ी रिफंड नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे रेलवे ने फिर से यह फरमान जारी किया, नोटिस जारी किया है कि वो जो है फ़ी रिफंड करना चाहती है। जितने भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं कि उनका फ़ी रिफंड आए, उन्हें ये प्रोसेस जल्दी करना होगा, नहीं तो उनका फ़ी रिफंड वापस नहीं हो पाएगा। तो वीडियो में आगे देखेंगे क्या करना होगा। वीडियो लास्ट देखिएगा, उससे पहले यदि आप नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप हमसे जुड़ेंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हुए जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह अपडेट निकल के सामने आया है आरआरसी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ़ी रिफंड के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस निकल के सामने आया है और यहाँ पर लिंक भी आपको मिल जाएगा। नोटिस में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। नोटिस में देखिए, यह नोटिस 25 तारीख को ही पब्लिश हुआ था। यहाँ पर इस नोटिस में बताया गया है कि जो है कई सारे स्टूडेंट्स के फ़ी रिफंड नहीं हो पाए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जो नोटिस इस डेट में जारी किया गया था 13/4/2023 से 21/4/2023 के बीच में, और इसके रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स के जो है फ़ी रिफंड नहीं हो पाए थे और उनमें कोई ना कुछ रॉन्ग या इनकम्प्लीट जो है बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर इत्यादि देखने को मिला था, जिसके कारण से उन्हें फ़ी रिफंड नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे रेलवे चाहती है कि उनको फ़ी रिफंड हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स का फ़ी रिफंड नहीं हो पाया था, उनको ईमेल के जरिए और SMS के जरिए उनको सूचित कर दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि उनका फ़ी रिफंड नहीं हुआ है और उनको फ़ी रिफंड आरआरबी करना चाहती है। और जिनके भी IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर इत्यादि में कुछ भी गलती है, वे लोग जाके सही कर सकते हैं। और ये कब तक सही कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 26 अप्रैल 2024 से लेकर 5 मई 2024 अंतिम डेट है। इसके बीच में आपको अपना जो भी जो है सुधार करना है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड इत्यादि में, वह सुधार कर लीजिए। इसके बाद आपका फ़ी रिफंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे जाएंगे तो आपको यह जो सेकंड नंबर का लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जहाँ पर यह लास्ट डेट देखने को मिल जाएगा 5/5/2024। यहाँ इस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन का हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन, आपके करंट बैंक अकाउंट और IFSC कोड, जिसमें भी आप पैसा मंगवाना चाहते हैं, उसका वहाँ पे आप भर दीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका जो है यहाँ पे प्रोसेस पूरा हो जाएगा और फ़ी रिफंड आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जल्दी कर लीजिए यदि आपका फ़ी रिफंड नहीं आया है। तो बाकी कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।